गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथ्स वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे एंड ये हमने कंप्लीट कर ली है क्वेश्चन नंबर 8 तक। लास्ट क्वेश्चन तक हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया है। इससे आगे की जो चैप्टर है एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 हम नहीं करेंगे। हमारा FA1 का सिलेबस केवल यहीं तक है, एक्सरसाइज 2.1 तक एंड एक्सरसाइज 2.3 भी हम नहीं करेंगे। अब हम करेंगे रिवीजन एग्जाम के लिए। आपको डेट शीट मिली गई है तो आपको पता है कि एग्जाम हमारे 9 डेट से स्टार्ट है, 9 अगस्त से। तो आप तैयारी शुरू कर दें अच्छे से। और जो चैप्टर मैंने कराए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, आपको तीनों की अच्छे से रिवीजन करनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। जो थोड़ी सी रिवीजन है वो मैं आपको मैथ्स के असाइनमेंट के रूप में कराऊंगी यहाँ पर वीडियो में। असाइनमेंट में क्या होगा, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने होंगे, होमवर्क होगा आपका, ठीक है। जैसे ये आपके सामने आपको दिख रहा है वीडियो में रिवीजन असाइनमेंट 1, तो ऐसे मैं आपको क्वेश्चंस रिवाइज भी करा दूंगी और आपको अच्छे से ये समझ में भी एक बार आ जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लें असाइनमेंट का, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था कि जो सिस्टम है नंबर को पढ़ने के लिए, वो एक तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है और एक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जिन बच्चों ने वीडियो को अच्छे से सुना होगा, चैप्टर को अच्छे से सीखा होगा, उनको याद आ गया होगा। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर नेम लिखना है, नंबर नेम मतलब होता है वर्ड्स में लिखना है। आपको पता है ये नंबर्स में लिखा है तो इसको वर्ड में हम कैसे रीड करेंगे, इसको हमें लिखना होगा, ठीक है। तो देखेंगे सभी बच्चे किस तरीके से इसका आंसर हमें करना है। सबसे पहले इसको रीड करेंगे किस सिस्टम से, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जिसमें लाख करोड़ वगैरह होते हैं, तो ये इंडियन प्लेस सिस्टम होता है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख एंड 5 करोड़। तो यहाँ पर हमने देखा करोड़ पर 5 करोड़। चाहे तो हम इसके ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख और 10 लाख। अब हमें इसको इसका नंबर नेम लिखना है, इसको नेम में लिखना है, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो लिखेंगे 5 करोड़ 5 करोड़ 13 लाख, जो लाख के पीरियड है ग्रुपिंग में लेते हैं हमेशा, 13 लाख, 13 लाख, 76,000, 76,258। इस तरीके से हमें इसका नंबर नेम लिखना है। आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया, ये आपका असाइनमेंट। तो ये नीचे के जो दो क्वेश्चन है ये भी सेम ऐसे ही होंगे, ये आपको खुद से करने हैं, ओके। ये मैंने कराया, ये आपको दोनों खुद से सॉल्व करने हैं। ऐसे ही आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5। 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए डिजिट 5 कहाँ पर है, ये है डिजिट 5, ये कौन से प्लेस पर है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से। देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, 10 लाख, तो ये किस पर है, 10 लाख पर। तो इस तरीके से मेंशन कर देंगे ऊपर 10 लाख। तो इसकी 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 10 लाख, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 10 लाख कैसे लिखते हैं हम, इस तरीके से। तो इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 50 लाख, ओके।
तो प्लेस वैल्यू 5 की क्या होगा यहाँ पर 50 लाख इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको पीछे ये वाला सेम, इसमें भी 5 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो आप इसको खुद से रिवाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आपको पता है हम नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले से दिया है तो इसको शॉर्ट में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको अगर इजी मेथड बताऊं तो आप इस तरीके से सम बना के कर सकते हैं। सबसे आसान मेथड है ये, ऐसे सम बना लेंगे और इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देंगे 30,98,052। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ये नीचे के क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें आपको बताना है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4, डिजिट 4 की प्लेस वैल्यू। अब देखिए क्या यूज करना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में मिलियन बिलियन आते हैं, देखिए वंस टेंस हंड्रेड, मिलियन टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन एंड देन बिलियन, यही पढ़ते हैं हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। 3-3 की ग्रुपिंग होती है। इसमें हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू बतानी है 4 डिजिट की। तो ये रहा 4 डिजिट, 4 डिजिट को बॉक्स में रखेंगे। ये कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, तो 4 × 100 लिख देंगे। और जब इसको नंबर्स में लिखेंगे तो 100 हम इस तरीके से लिखते हैं, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 400। ओके, ये आपको मैंने वर्कशीट में भी दिया हुआ है पहले, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से डिजिट 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड है। इसमें भी आपको जो 4 डिजिट है यहाँ पर, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें कंपेयर करना है नंबर्स को, कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है, कौन सा ज्यादा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहले तो हम डिजिट काउंट करते हैं नंबर में कितने डिजिट है, जिसमें जितनी ज्यादा डिजिट होंगी वो नंबर बड़ा नंबर होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर के नंबर में क्या है, 6 डिजिट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर के नंबर में 7 डिजिट है। तो आप पता कर सकते हैं आसानी से, जिसमें ज्यादा नंबर ज्यादा डिजिट होंगी वो नंबर बड़ा होगा। तो ये वाला नंबर बड़ा है, 38,43,598। ओके, सबसे पहले हमें डिजिट काउंट करनी है। यदि दोनों में डिजिट सेम हो तो, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें 8 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें भी 8 डिजिट है। अब अगर दोनों में 8 डिजिट है तो हम इनका जो स्टार्टिंग का नंबर है उसको चेक करेंगे। स्टार्टिंग का नंबर एक में 9 है और एक में 8, तो 9 बड़ा होता है तो इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, इस पूरे नंबर से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, बड़े वाले के साइड खुला हुआ साइन। ओके, इस तरीके से आप ये तीनों नीचे वाले खुद से कंपेयर करेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो आज का आपका होमवर्क यही है, जो क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं कराया असाइनमेंट के, वो आपको खुद से सोल्व करने हैं। इसी तरीके से आपको कॉपी में काम करना है, जैसे मैंने लिख के आपको दिखाया हुआ है, देख रहे हैं आप। इसको कंप्लीट करना है आपको, असाइनमेंट को खुद से सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए हो अभी भी तो वीडियो को दोबारा देखेंगे एंड समझेंगे। ओके, ये है क्वेश्चंस, देखते जाएंगे ध्यान से और कॉपी में लिखते भी जाएंगे।
तो यहाँ तक आप अपना पूरा कंप्लीट करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 रिवीजन के लिए, और आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, डिजिट चेंज होकर मिलेगी। तो आप केवल प्रैक्टिस करते जाएं क्वेश्चंस की अच्छे से एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।